वेलकम टू फरीद अकेडमी, दिस इज़ योर माई टीचर मोहम्मद अजुल अजीम। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट वन, पेज नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5, बिट 5 है। तो ये रिड्यूसिबल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 लिख ले लेता हूँ मैं। 1/2 × 3x + 4y + 1/5 × 2x − 3y = 1/4। तो अब देखिए, दोनों भी इक्वेशन में यहाँ पर 1/3x + 4y और 1/2x − 3y कॉमन है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए। तो अब हम ये इक्वेशन 1 है हमारी, सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं हम, वो है आपकी 5/3x + 4y − 2/2x − 3y = −3/2। दिस इज़ अवर इक्वेशन सेकेंड। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 1/3x + 4y कॉमन है, 1/3x + 4y = m पुट करेंगे, एंड 1/2x − 3y = n इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में हम m और n का सब्स्टिट्यूशन करेंगे एट द प्लेस ऑफ 1/3x + 4y, एट द प्लेस ऑफ 1/2x − 3y = n, और 1/3x + 4y = m ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी m/2 + n/5 = 1/4। ये आपकी इक्वेशन 1 a रहेगी। और सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड ए क्या मिलेगी हमको, 5m − 2n = −3/2। ये आपकी हो जाएगी सेकेंड ए इक्वेशन, सेकेंड ए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 a में यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2, 5 और 4 है, इसका एलसीएम 20 आता है। तो अगर हम इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इंटीजर्स मिलेंगे टर्म्स में, जो आपके टर्म्स रहते हैं एक्स टू एम टर्म एन टर्म, उसके जो कोफिशेंट है हमको वो इंटीजर मिलेंगे। और यहाँ पर हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको इंटीजर टर्म्स मिलेंगे। एम और एन के जो कोफिशेंट है वो इंटीजर्स मिलेंगे, और कॉन्स्टेंट टर्म भी इंटीजर ही मिलेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1a/20। तो इक्वेशन 1a को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × m/2 + n/5 = 1/4। तो सेपरेटली एक एक ब्रैकेट ओपन करेंगे 20 से, 20 × m/2 + 20 × n/5 = 20 × 1/4। 4 1s are 4, 5s are 5, 1s are 5, 4s are 2, 1s are 2, 10s are। इक्वेशन मिलेगी आपको 10m + 4n = 5। ये आपकी इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन मिल गई आपको। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 4 फाइंड करेंगे कैसे करेंगे, इक्वेशन 2a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2a/2, तो इक्वेशन हो जाएगी ये 2 × (5m − 2n = −3/2। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 × 5 = 10, 10m − 2 × 2 = 4n = यहाँ पर आएगा 2 − 3/2। तो 2 1s are 2 1s are कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10m − 4n = −3। ये हो गया आपकी इक्वेशन 4, दिस इज़ योर इक्वेशन 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ मैं फिर से, 10m + 4n = 5, दिस इज़ योर इक्वेशन 3, रीराइट किया है मैंने। तो अब देखिए 4m, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो n वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐड इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 ऐड करना है 3 में, तो
मैं लिख रहा था यहाँ पर इक्वेशन थ्री, थ्रिफ्ट 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 10m माइनस 4n इज इक्वल टू -3। ऐड करना है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो 10m 10m 20m 20m प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस ऑफ -3 2। तो 20m इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, फिर से रिराइट कर लेता हूँ। 20m इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 20m इज इक्वल टू 2। तो m इज इक्वल टू 2/20, मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में जाएगा। सो 2 1 2 10, सो m इज इक्वल टू 1/10। तो m की वैल्यू 1/10 आ गई है। अब हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे m की वैल्यू। तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ। सोल्यूशन इक्वेशन 3 है आपकी 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, ये है आपकी इक्वेशन 3। सो अब हम पुट कर लेते हैं इसमें m की वैल्यू। पुट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 into 1/10 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 10 1 10 1 ज़ा, सो 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 4n इज इक्वल टू 5 माइनस 1, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, सो n इज इक्वल टू 4/4, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन जाएगा, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 1/1 इज 1। सो n की वैल्यू आ गई है आपकी 1। सो हमको m और n की वैल्यू मिल चुकी है। m की वैल्यू मिली है हमको 1/10 और n की वैल्यू मिली है 1। सो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने m m और n क्या कंसिडर किया था, देखिए आप, हमने m कंसिडर किया था हमने 1/, सो m इज इक्वल टू 1/3x प्लस 4y कंसिडर किया था, और उसकी वैल्यू मिली थी हमको 1/10। तो रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पर, रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एम एन एन। तो एम की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर रखी है, तो देखिए अब क्या बनता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 10 into 1 10, और 3 into 1 into 3x प्लस 4y, सो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर इक्वेशन, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5। अब रिसब्स्टिट्यूट करेंगे n की वैल्यू हमने क्या ली थी, n कंसिडर किया था हमने 1/2x माइनस 3y, तो और उसकी वैल्यू मिली थी हमको 1, n की वैल्यू मिली है हमको 1। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू मिली है 1, और हमने कंसिडर किया था n क्या है, 1/2x माइनस 3y, सो n इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पर 1 रहता है डिनोमीटर में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into 1 1 1 into 2x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सिक्स। तो अब हम एलिमिनेट करेंगे y कट इक्वेशन 5 6 में y टर्म के कोफिशेंट का साइन डिफरेंट है, तो हम इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 4, तो ये दोनों भी 12 हो जाएगा, दोनों के कोफिशेंट y के 12 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 ऐड करेंगे तो ये y एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी। तो ऐड करते हैं हम, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 5/3 एंड मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 6/4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/1, सो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इस इक्वेशन को, फिफ्थ को, 3 into 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 4 ज़ा 12y, 3 10 ज़ा 30, दिस इज़ योर इक्वेशन फिफ्थ ए नाम देंगे इसको हम, फिफ्थ ए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन है 6, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 into 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो 2 4 2 ज़ा 8x
माइनस 4 3 जो 12 वाई इज इक्वल्स टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन 6a, 6a हो गए। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन 5th और 6th ए को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो आपकी इक्वेशन यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐड इक्वेशन 5th a प्लस इक्वेशन 6th a, इक्वेशन 5th और 6th a लिख लेता हूँ मैं, 9x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 30 प्लस ऑफ 8x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 4। तो ऐड कीजिए, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, प्लस 12y माइनस 12 कैंसिल, 9x प्लस 8x 17x हो गया, ये इट इज इक्वल्स टू 34 आ गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ, 17x इज इक्वल्स टू 34, सो x इज इक्वल्स टू 34 बाय 17, 17 वन ज़ा 17, 2 ज़ा 2 बाय 1, 2 बाय 1 इज 2, सो देयर फॉर हमको x की वैल्यू मिली है 2। x की वैल्यू 2 हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो किस इक्वेशन में पुट करेंगे जो ईजी जाएगी, तो हम पुट कर लेते हैं उसको इक्वेशन 5th में पुट कर लेंगे, ईजी है 5th में। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5th में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 5th है आपके 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू मिली है हमको 2, तो 3 की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, तो आपकी ये इक्वेशन मिलेगी आपको 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, सो 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो आपको इक्वेशन मिलेगी 4y इज इक्वल्स टू 4, सो y इज इक्वल्स टू 4 बाय 4, 4 वन ज़ा 4 वन ज़ा 1 बाय 1, 1 बाय 1 इज 1। तो हमको यहाँ पर y की वैल्यू भी मिल गई है, मैं y की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, सो y इज इक्वल्स टू 1। अब हम आंसर लिख लेंगे, आंसर हमारा क्या आ गया है, आंसर x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x 2 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 1 पेज नंबर 28 पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका लास्ट बिट था कोई बिट 5, ये सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, बाय।